हेलो बच्चों, आज मैं जीके में आप लोगों को 19 चैप्टर फूड वी ईट पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन लिखा है, फूड गिव अस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। फूड हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। फूड यानी क्या हो गया? खाना जो हम लोग खाते हैं, फूड वी ईट, खाना जो हम लोग जो भी खाते हैं, जितना चीज़ हो गया, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, सब फूड होते हैं। नोबडी कैन लिव विदाउट फूड, हम लोग बिना फूड के नहीं रह सकते हैं। कभी आप देखे होंगे खाना खाने में लेट हो जाए तो हमें वीकनेस जैसे फील होती है, मतलब कमज़ोर फील करते हैं, और जैसे ही खाना खाते हैं हमें लगता है हाँ हमारे अंदर बहुत सारी ताकत आ गई है। इसलिए फूड हमारे लिए, नोबडी कैन लिव विदाउट फूड, फूड के बिना हम लोग जी नहीं सकते। ये हमें शक्ति और एनर्जी प्रदान करती है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम लोग बहुत तरीके के फूड खाते हैं। तो फूड क्या है वो कुछ पिक्चर्स और नाम यहाँ दिए गए हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप ये लोग ये सब नाम आप लोग जी के नोटबुक में भी नोट करेंगे। फर्स्ट है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, पल्सेस, घी, केक, बटर, ब्रेड, जैम, बिस्किट्स, टी, कर्ड, राइस, चपाती। आप लोग सब ये खाते ही होंगे, है ना? अब देखेंगे नीचे, आंसर वेयर द फ्लोइंग क्वेश्चन, राइट यस और नो इन द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, और उसके सामने बॉक्स भी दिया गया है। जो आप लोग को सही लगता है उस बॉक्स में यस लिखेंगे, और जो आप लोग को गलत लगता है उसमें नो लिखेंगे। जैसे पहला है, डू यू टेक फूड एवरी डे, क्या आप डेली खाना खाते हैं? फूड यानी वही खाना हो गया, इसमें से कुछ पिया है वो सारे मिला के होंगे, तो आप डेली खाते हैं, तो ये हो जाएगा यस। डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल, क्या आप लोग को सब्जियाँ खाना पसंद है? तो ये तो अपने हिसाब से आप लोग यस नो लिखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती। डू यू लाइक टू हैव मिल्क, क्या आप लोग मिल्क पीते हैं? मिल्क यानी दूध, ये भी आप लोग अपने से लिखिए यस या नो। कैन वी लिव विदाउट फूड, क्या हम बिना फूड के रह सकते हैं? तो नो। तो दो आप लोग अपनी मर्जी से लिखिएगा, दो मैंने बता दिया है, ठीक है, और ये सारे लिखिएगा। मैं फ़ोटो भी भेज दे रही हूँ कि किस तरह से आप लोग को जीके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।